सो बेसिकली गाइस, आज की इस वीडियो में हम निफ्टी के डेली और वीकली चार्ट को एनालाइज करने वाले हैं, जिसके भी आप पर हम पता लगाएंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी का क्या मोमेंटम हो सकता है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के ट्रेंड के बारे में। सेकंड, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, मीन्स कि डेली चार्ट पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से लेवल आने वाले ट्रेडिंग सेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एंड थर्ड, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, हम इन सभी चीज़ों को कंबाइन कर कर ये जानेंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें अपनी ट्रेड को कैसे प्लान करना है इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो रेगुलर बेसिस पर अपलोड करते हैं। जैसे कि गाइज आप सभी देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन कर दिया है। इस पर्टिकुलर चार्ट को अब एनालाइज करते हैं और जानते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी का क्या मोमेंटम हो सकता है, और उसी मोमेंटम को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी ट्रेड को प्लान करना है। तो बेसिकली गाइज, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए थ्योरी अप्लाई करता हूँ, वो डाओ थ्योरी अप्लाई करता हूँ। तो बहुत ही बेसिक थ्योरी है एंड काफ़ी क्लियर व्यू वो मार्केट के रिगार्ड हमें प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली यहाँ पर पहले इसको मैं थोड़ा सा फ्रीज कर देता हूँ। ओके, जैसे कि गाइज आप सभी देख पा रहे होंगे, इस पर्टिकुलर रैली का जो हाई था, मार्केट ने इस पर्टिकुलर हाई को ब्रेक नहीं किया एंड वहीं से गिरना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे मार्केट गिर रहा था, मीन्स कि यहाँ पर आई कैन से दैट मार्केट लोअर लोज की सीरीज लगा रहा था। तो जब भी मार्केट लोअर लोज की सीरीज लगाता है तो वी कैन से दैट कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। जब तक कि मार्केट उस लोअर लोज की सीरीज को कंटिन्यू कर रहा है, तब तक हम कह सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। लेकिन जैसे ही मार्केट उस पर्टिकुलर सीरीज को ब्रेक करता है, देन वी कैन से दैट जो मार्केट का ऑनगोइंग ट्रेंड है अब वो रिवर्स हो गया है। तो जैसा कि गाइज आप सभी देख पा रहे होंगे, मार्केट ने इस पर्टिकुलर हाई को ब्रेक कर दिया विद द हेल्दी बुलिश कैंडल। ओके, तो मार्केट ने इस पर्टिकुलर ट्रेंड को जो चलता हुआ आ रहा था उसको रिवर्स कर दिया है बाय गिविंग द ब्रेकआउट। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट का जो भी ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। फर्स्ट कन्फर्मेशन हमें इस पर्टिकुलर सीरीज के ब्रेक होने से मिलती है, और सेकंड कन्फर्मेशन आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट, जैसा कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने 200 की ईएमए को प्लॉट किया हुआ है। तो जब भी गाइस मार्केट अपनी 200 की ईएमए के नीचे क्लोजिंग देती है, उसके नीचे ट्रेड होती है, तो वी कैन से दैट कि मार्केट का जो भी ट्रेंड है वो नेगेटिव होने वाला है, वो डाउन ट्रेंड में अभी मार्केट जाने वाला है कुछ टाइम के लिए, जब तक कि मार्केट 200 ईएमए के ऊपर होल्ड नहीं करता। तो जैसा कि गाइज आप सभी देख पा रहे होंगे, जैसे ही मार्केट ने इस पर्टिकुलर सीरीज को ब्रेक किया, साथ ही साथ में मार्केट ने 200 ईएमए को भी ब्रेक किया विद द हेल्दी बुलिश कैंडल, और मार्केट ने उसी ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया, डबल कन्फर्मेशन मिला मार्केट रिवर्स होने का। फर्स्ट जो लोअर लोस की सीरीज चलती हुई आ रही थी वो ब्रेक हुई, सेकंड मार्केट ने 200 की ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी। तो वी कैन से दैट अभी करंट के सिनेरियो में कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। चलो तो गाइज अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कौन कौन से लेवल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जिन पे हमें खास फोकस करना है आने वाले ट्रेडिंग सेशन पे। तो फर्स्ट यहाँ पर हम रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो गाइज जो मुझे फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर शो कर रहा है वो 17,350 का शो कर रहा है। अगर गाइज हम सेकेंड रेजिस्टेंस की बात करें तो सेकेंड रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर 17,616, एक राउंड फिगर लेके चलते हैं, 17,600 के आसपास हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है। अगर गाइज हम बात करें यहाँ पर सपोर्ट की, तो गाइज जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट है वो 17,160 होने वाला है। अगर गाइज हम बात करें सेकंड सपोर्ट की, तो जो हमारा सेकंड सपोर्ट होगा यहाँ पर 16,950 होने वाला है, एक अराउंड फिगर लेके चल रहा है। तो जो लेवल्स मैंने अभी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो इन पर्टिकुलर लेवल्स पे आपको काफ़ी खास फोकस रखना है। गाइज अब हम अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि इन सभी चीज़ों को कंबाइन कर कर हमें अपनी ट्रेड को किस तरीके से प्लान करना है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। तो जैसा कि गाइज मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो निफ्टी का ऑनगोइंग ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, तो सपोज कि मार्केट मंडे को गैप अप ओपन हो जाता है, तो उस टाइम पे हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रही है
करनी है जो उस पर्टिकुलर ट्रेंड को इंडिकेट करे। लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए मंडे को मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और गैप अप ओपन होने के बाद इस पर्टिकुलर लेवल पे आकर मार्केट एग्जॉस्टेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर देता है, तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट को हमें ऑब्जर्व करना है और जानना है और देखना है कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है। अगर आपको इस पर्टिकुलर रेंज में एक बाय अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको लग रहा है कि मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अपने आप को होल्ड कर पा रहा है, तो आपको यहाँ पर एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेनी है और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से 10 से 20 पॉइंट नीचे की तरफ लेके चलना है और जो टारगेट होगा अगेन वो 1:2 का लेके चल सकते हो। लेकिन किंतु परंतु गाइस कल के सिनेरियो में ऐसा भी हो सकता है कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो थोड़ा सा और गैप डाउन ओपन होने के बाद ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट है इस पर्टिकुलर सपोर्ट के आसपास आकर मार्केट एग्जॉस्टेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर दे, काइंड ऑफ डोजी कैंडल बनाना स्टार्ट कर दे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ट्रेड नहीं लेना है। उस पर्टिकुलर मोमेंटम को आपको, उस पर्टिकुलर सिनेरियो को आपको ऑब्जर्व करने फाइंड आउट हो जाती है जो कि उस पर्टिकुलर ट्रेंड को इंडिकेट करे, तो एट दैट टाइम आपको एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेनी है और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो पर्टिकुलर सपोर्ट से 10 से 12 पॉइंट नीचे की तरफ स्टॉप लॉस होगा और जो टारगेट होगा वो 1:2 का टारगेट लेके आप चल सकते हो। तो इस तरीके से गाइज आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अपनी ट्रेड को प्लान करना है। होप सो गाइज आने वाले ट्रेडिंग सेशन के रिगार्ड जितने भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे एंड आपको वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी और पता लगा होगा कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको अपनी ट्रेड को किस तरीके से प्लान करना है। सो इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट गिव द बिग थम्स अप, डू लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।